ये जो फोर्स होता है दो स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। एक तो पहले यहाँ पे फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है, उसके बाद ये जो फील्ड होता है ना ये फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो आगे, यहाँ पर नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि यही जो फोर्स जो लगता है ना इसके हेल्प से हम लोग अर्थ की दो चीजें कैसे निकाल सकते हैं, अर्थ का मास और अर्थ की डेंसिटी। कंप्यूटेशन ऑफ मतलब कैलकुलेशन ऑफ मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ, देखो हमने क्या पढ़ के रखा था लास्ट क्लास में कि जो ग्रेविटी थी उसका फॉर्मूला था जी एम बाय आर स्क्वायर, पढ़ी जी जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, पढ़ी एम ई ईयर मास ऑफ द अर्थ, आर क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। अगर हमको बोला जाए कि मास ऑफ द अर्थ का फॉर्मूला क्या होगा तो मास ऑफ द अर्थ ऐसा लिख सकते एम ई इक्वल्स टू जी एस इंटू आर स्क्वायर बाय कैपिटल जी, ठीक है। ये हमारा बन गया किसका एक्सप्रेशन मास ऑफ द अर्थ का। अगर हमसे बोला जाएगा कि डेंसिटी ऑफ द अर्थ का एक्सप्रेशन निकाल करके बताओ तो हम इसी फॉर्मूले से कैसे निकालते हैं, मतलब मास को एक्सप्रेस कर दिया हमने किसके टर्म्स में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स, डेंसिटी ऑफ द अर्थ अगर हमको बोला जाएगा एक्सप्रेस करने के लिए इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कैसे लिखेंगे, देखो मास ऑफ द अर्थ क्या वॉल्यूम ऑफ द अर्थ 4/3 pi आर ई का क्यूब, क्योंकि अर्थ का शेप कैसा होता है स्फेरिकल मानते हैं हम लोग, हालांकि एग्जैक्ट स्फीयर नहीं होता है लेकिन हम लोग उसको काफी हद तक स्फेरिकल मान सकते हैं। तो मास का फॉर्मूला क्या था वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ना, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या हो जाएगा 4/3 pi r अर्थ का स्फीयर इनटू डेंसिटी ऑफ द अर्थ मान लो रो है इक्वल टू जी एस इनटू आर स्क्वायर, आर ही क्या हो गया रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया बाय कैपिटल जी, ये मर गया ठीक है। रो क्या बच जाएगा डी एस, थ्री ऊपर गया फोर नीचे आया पाई आर ई, ठीक है। तो दिस इज द डेंसिटी ऑफ गियर थ्री जी बाय 4 pi r e जी, ठीक है। और ये जो है ना इस फॉर्मूले पे डेंसिटी ऑफ द अर्थ के फॉर्मूले पे देखो कि ना अगर तो नेट में जो है ना लगभग 3 बार क्वेश्चन इस पे आ चुका हुआ है डेंसिटी ऑफ द अर्थ, तुमको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ ठीक है जो तुम लोग को सॉल्व करना है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है बोला गया कि एक नया प्लैनेट है ठीक है, एक न्यू प्लैनेट और एक प्लैनेट है अर्थ, न्यू प्लैनेट की जो डेंसिटी है सेम है डेंसिटी ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ की डेंसिटी मान लो रो है तो न्यू प्लैनेट की भी डेंसिटी क्या है रो है, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया। लेकिन जो न्यू प्लैनेट का जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस से 3 times बड़ा है, ठीक है। नए प्लैनेट का रेडियस कैसा है अर्थ के रेडियस से 3 times बड़ा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पे जो एक्सेलरेशन वो जी है, ठीक है। तो बताओ इस न्यू प्लैनेट पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डेंसिटी की बात की गई है, जरा डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करके देखो तो क्या आंसर आएगा। यहां पे जीएस लिखा गया, यहां पे हम जीएस के बदले क्या ले लेंगे जी ले लेंगे, और तुम्हारे सामने जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना वो है इस डी डैश के लिए जो ऑप्शन दिए हुए हमको
वो है जी बाय 9 27 जी नाइन जी थ्री जी सेम ये फॉर्मूले को यूज करो, डेंसिटी दोनों के सेम है, निकालना क्या आपको ग्रेविटी निकालना, सबको तो आंसर ओके, बाकी लोग भी तो आंसर सही है, समझ वेरी गुड रचित, बाकी लोग भी तो आंसर सबको जल्दी जल्दी तो आंसर ट्राई करो फटाफट तो आंसर देख लो यहाँ पे यहाँ पे हमको ग्रेविटी निकालनी है, एक्सीलरेशन निकालना है जीरो अगर हमको यहाँ पे, तो डेंसिटी वाला मुझे एक्सप्रेशन दिया गया तो ऑब्वियसली बात है यही फॉर्मूला लगेगा। तो अगर मान लो मैंने देखा ध्यान से अगर, तो रेडियस जी क्या हो जाएगा डैश दो फॉर्मूले अगर मैं देखू यहां पे ध्यान से, पहला देख लो ये वाला, तो रो इक्वल्स टू और फर्स्ट प्लैनेट और न्यू प्लैनेट, ठीक है, रो इक्वल्स टू थ्री जी डैश बाय फोर पाई, रेडियस कितना थ्री आ रहा है, ये कैपिटल जी है। यहां पे अगर मैं बात करता हूं अर्थ के लिए तो डेंसिटी कितनी लो है, यहां पे थ्री, ग्रेविटी कितनी है जी है बाय फोर पाई, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या है आर इंटू जी। अभी मुझे क्या करना है, मुझे निकालना जी डैश निकालना इन टर्म्स ऑफ जी। मैंने क्या किया, डेंसिटी दोनों की सेम है, दोनों का इक्वेट कर दिया, दिखाओ डेंसिटी सेम है, दोनों का इक्वेट कर दिया तो थ्री फोर पाई थ्री कैपिटल डी सब कट जाएगा, आर आर कट जाएगा, इससे मुझे आर डैश डी डैश कितना मिल जाएगा, डी डैश थ्री जी डैश यहां पे लिख सकता हूं मैं थ्री जी डैश इक्वल्स टू, और यहां पर ये थ्री फोर पाई, देखो थ्री फोर पाई इक्वेट करने पे कैपिटल आर कैपिटल जी सब कट जाएगा, बचेगा जी डैश बाय थ्री इक्वल टू जी, जी डैश कितना हो गया थ्री जी के इक्वल हो गया, आंसर क्या होगा फोर्थ वाला होगा। आई बात सबको समझ में, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, कंसेप्ट आता हो तो बड़ी आसानी से बन जाए। एक क्वेश्चन देता हूं, अभी ये क्वेश्चन सबसे सॉल्व होना चाहिए, सेम इसी कंसेप्ट पे सेम इसी फॉर्मूले पे, बोला गया कि एक प्लैनेट है, ठीक है, न्यू प्लैनेट और एक अर्थ है, न्यू प्लैनेट की जो डिस्कवरी हुई है इसकी जो डेंसिटी है, इसकी डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी के ट्वाइस है, बोला गया नया प्लैनेट की डेंसिटी कितनी है अर्थ की डेंसिटी के ट्वाइस है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ, बोला गया अर्थ की जो ग्रेविटी है वही ग्रेविटी न्यू प्लैनेट पे भी है, डेंसिटी डबल है ग्रेविटी सेम है, अर्थ का रेडियस अगर आर है तो बताओ न्यू प्लैनेट का रेडियस क्या होगा, ठीक है, ये आर डैश की वैल्यू क्या होगी,
हमारे सामने ऑप्शन दिए गए हैं आर डैश के लिए 2R, 4R, 1/4R, R/2, ठीक है। फटाफट जल्दी से सेलेक्ट करके बताओ, ये सवाल सबसे बनना चाहिए, तुमको आर डैश निकालना है, गिवन डेटा, तुमको डेटा ऊपर गिवन है। सबको बताओ का आंसर, और बाकी लोग भी तो आंसर, सिर्फ दो ही बच्चे आंसर देते हैं। नंबर चेक करो एक बार, सबको तो आंसर, शिफा चेक करो एक बार, एक बार दुर्गा चेक करो अपना आंसर, रचित का सही है, ए नहीं होगा। देखो यहां पर इस सवाल में हमको आर डैश निकालना है, ठीक है, ऑब्वियसली डेंसिटी वाला है तो डेंसिटी का यही फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। हमें अगर आर डैश निकालना है तो ये आर डैश अगर निकालना हो तो मैं क्या ले सकता हूं, आर जो है आर को मैं क्या ले सकता हूं, आर का फॉर्मूला हो जाएगा रो इनटू ये रेडियस बाय आर हो जाएगा, सॉरी आर हो जाएगा हमारा, हमको आर निकालना, ये फॉर्मूले में आर के लिए अगर मैं देखू ना तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा आर इक्वल्स टू 3g/4π रो इनटू कैपिटल जी, 4π रो नीचे आ गया, कैपिटल जी नीचे होगा, रेडियस ऊपर, रेडियस ऊपर भेज दिया 3g, ठीक है। ये हमारा हो गया रेडियस का एक्सप्रेशन, ठीक है, जो कि हमको, बिकॉज हमको जो निकालना है उसको तो सबट बनाना पड़ेगा। अब देखो अगर मान लो मैंने बोला इसका आर डैश था तो आर डैश क्या हो जाएगा, आर हमारा होगा यहां पे आर डैश हमारा हो गया 3g/4π रो, रो के बदले में क्या लिखो, 2 रो लिख देता हूं इनटू कैपिटल, और यहां पे रेडियस क्या दिया गया मुझे, आर दिया गया है, तो 3g, ग्रेविटी दोनों में सेम है ना, तो 3g लेंगे, यहाँ पे g लेंगे, 4π, ठीक है, यहाँ डेंसिटी कितनी है अर्थ के लिए रो है, इनटू यहाँ पे कैपिटल g लेंगे। अब जरा देखो तो r डैश और r में क्या रिलेशन होगा, ये 3g और ये रो, 3g 4π रो g, ये किसके इक्वल है, ये पूरा तो r है, देखो तो r डैश तो भी कर सकता हूँ 3g/4π h ρ × 2, है ना, देखो मैंने क्या किया 2 को खाली अलग करके लिख दिया, ठीक है, 2 को जब मैं अलग करके दिया तो 3g/4π ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, ये तो r के इक्वल है, ये क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा ना, आई बात सबको समझ में, तुम अगर चाहो, ठीक है, तो तुम सही है समझ, तुम अगर चाहो ना तो इसको तुम अपने तरीके से भी, दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी पर है, कि भाई ग्रेविटी मेरे को दोनों जगह सेम दिख रही है जी और जी, ठीक है, तो तुमने जी को सेंटर बना करके भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी पर, कोई भी तरीके से करो, ठीक है, आंसर सही आना चाहिए।
इट्स सिंपल मैथ्स है बस। आगे बढ़ते हम लोग, आई होप सबको समझ में आ गया ये। अब हम बात करते हैं आगे वेरिएशन इन जी। वेरिएशन इन जी देखो, जो जी की जो वैल्यू होती है ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वैरी करती है। इसका वेरिएशन जो है चार कारण से हो सकता है। वेरिएशन ड्यू टू हाइट, वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ, वेरिएशन ड्यू टू शेप, लास्ट वेरिएशन ड्यू टू रोटेशन। ठीक है, ये चार कारण है जिससे जी की वैल्यू वैरी कर सकती है। सबसे पहला हम वेरिएशन जो जी का देखते हैं ना, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारा किसका स्टडी करेंगे, हाइट का। और ये जो मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ ना, These are very important derivations, ठीक है, हमारे क्या कहते हैं बोर्ड एग्जाम मतलब स्कूल के एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, और इससे हमारे एंट्रेंस में भी इसके फॉर्मूला पे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन होते ही होते। देखो मान लो अर्थ है यहाँ पे, और हम क्या करते हैं, ये हमारे अर्थ का सेंटर है, हम यहाँ से ऊपर जाना शुरू करते हैं। ये अर्थ का रेडियस है, और हमसे ये पूछा गया कि बताओ अर्थ के एक हाइट एच पे ग्रेविटी कितनी हो। ठीक है, हाइट एच पे ग्रेविटी कितनी हो, मास ऑफ द अर्थ हमको दिया गया m, रेडियस ऑफ द अर्थ आर है हाइट h। तो हम सबको पता है कि ग्रेविटी एट हाइट h हो जाएगा gm, ग्रेविटी का फॉर्मूला gm बाय r स्क्वायर था। ठीक है, अगर हम हाइट h पे जाते हैं मतलब सेंटर से हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस एच हो जाएगी ना, वहां पे हो जाएगा r प्लस एच का स्क्वायर, ग्रेविटी एट द हाइट एच हो। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ g x स्टेज पे इंडिकेट कर। अब अगर ग्रेविटी एट द हाइट अगर इतनी है, हमें पता है कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमको यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्रेस करना पसंद करेंगे इन टर्म्स ऑफ दैट ग्रेविटी जो कि हमको पता हो। ठीक है, याद रखना जो चीज हमको पता होती है वो स्टैंडर्ड हो जाती है। ठीक है, और हम लोग हमेशा क्या करते हैं उसके बेसिस पे कंपैरिजन करना हमको सही लगता है। जैसे मान लो तुम्हारे किसी को पता है कि शर्मा जी का बेटा पढ़ने में ऐसा है, तो हर बाप अपने बच्चों किसे कंपेयर करेगा, शर्मा जी के बेटे से कंपेयर करेगा, जिसके बारे में पता होता है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। तो जी डैश यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम बाई आर का स्क्वायर। देयरफॉर ये हमको ग्रेविटी ऑफ द सरफेस पता है, सरफेस के यहाँ पे एस लगा भी दो नहीं भी लगाओ तो भी चलेगा, खाली जी लिखा हुआ है ना मतलब सरफेस की बात होगी, और जहां जी डैश लिखा हुआ मतलब वो सरफेस की बात नहीं है, वो ऊपर के नीचे की बात हो सकती है, एट सरफेस। मैं क्या ले सकता हूँ, जी डैश इक्वल्स टू जी, जी एम के बदले में क्या ले सकता हूँ, देखो तो यहां से जी एम क्या है, जी आर स्क्वायर है, जी आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट जी डैश को मैं क्या ले सकता हूँ, जी
आर प्लस एच का स्क्वायर, ये स्क्वायर को मैंने नीचे भेज दिया इसके, तो जी इसको मैं ले सकता हूं आर प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, है ना। देखो यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, दोनों के पास स्क्वायर है, ठीक है, तो दोनों को एक साथ कर दो, ये हो जाएगा आर बाय आर दैट इज वन प्लस एच बाय आर का स्क्वायर। मैं चाहता अपने फॉर्मूले को यहां तक भी छोड़ सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता है इसको ऐसा लिखने के पीछे एक कारण है जिसकी जिसकी वजह से मैं लिख रहा हूं। एक बात तो तुमको समझ में आ रही होगी अच्छे से कि जब हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो ग्रेविटी जो होती है घटती है, हमारा वजन भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि तुमको बोला जाएगा कि तुम्हारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो तुम बोलोगे चल एक काम करते रॉकेट से ऊपर चले जाते, वहां जाने से ग्रेविटी घटती है, मास नहीं घटता है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। अब याद रखना है कि हम कितना ऊपर जाते हैं, ठीक है, हम अगर हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे ऊपर तो कितना ऊपर जाएंगे, 250, 400, 500 मीटर जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ पे तो बहुत कम केसेस सुनोगे जहां स्पेस शटल और रॉकेट को छोड़कर के जहां पे ऑब्जेक्ट जो होता है वो 2000, 4000 किलोमीटर ऊपर जाता है, ठीक है। तो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जो हम हाइट के बारे में बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट की बात भी करें, तो मुश्किल से 8 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो हम उस सिचुएशन की भी बात करते हैं, केस, स्पेशल केस की बात करते हैं, जिस जो कि हमको बहुत देखने के लिए मिलता है जब हाइट बहुत छोटी हो, व्हेन हाइट इज मच मच लेस देन रेडियस। अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है, अगर हम ऊंचाई पे जाते हैं 500 मीटर की तो वो हाइट बहुत कम है। तो उस समय हम क्या लिख सकते हैं, जी डैश इक्वल्स टू जी, इसको मैंने क्या किया ऊपर भेज दिया, ये हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर पावर माइनस, ठीक है, इसको मैंने ऐसा लिखा, ये हर केस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। व्हेन एच इज जी डैश इक्वल्स टू जी 1 प्लस एच रेज टू माइनस टू, ठीक है। एक काम करता हूं ना, ये लाइन जो है ना, तुम लोग क्या करना, ये लाइन के बाद ये लाइन लिखना, ठीक है, उसके बाद लिखना व्हेन एच इज मच मच लेस देन आर, we use binomial expression 1 plus x raised to n, ठीक है, x is much much less than 1, ठीक है। याद करो मैंने तुम लोगों को सिखाया था निकालने का तरीका, 1 plus 1.00001 का पावर 1/2 पावर 1/3, ठीक है, उसमें हम लोगों ने ये एक्सप्रेशन यूज किया था। नहीं भी याद है तो सिर्फ इतना याद कर जाना कि कभी भी 1 प्लस एक्स रेज टू एन होता है तो वो 1 प्लस एन एक्स से इक्वल होता है अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी हो। हमारे पूरे 11, 12 के फिजिक्स के पूरे समंदर में, ठीक है, हमको सिर्फ ये छोटा सा बूती काम आने वाला है, ठीक है। इसके अलावा हमको बायोनोमियल थ्योरम में कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर हम क्या ले सकते हैं, हमने अभी क्या सीखा था पीछे के फॉर्मूला में, जी डैश इक्वल्स टू जी 1 प्लस h by r का पावर माइनस टू। अब बोला गया h की वैल्यू r से बहुत छोटी है, ठीक है, सिंस ये लिखता हूं वी नो, ये जनरल है, हर कहानी के लिए एप्लीकेबल है, हाइट कुछ भी हो उसके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन अगर हाइट r से बहुत छोटी होगी तो नाउ सिंस h इज मच मच लेस देन r, देयरफॉर h by r, अगर h बहुत छोटा है तो h by r विल बी वेरी स्मॉल, ठीक है, ये एच बाय आर बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब डेसिमल में जैसे ये वाला केस हो गया ना, ठीक है, बहुत छोटा हो जाएगा। तो इन दैट केस वी कैन एट ऑल जी डैश इक्वल टू जी विल बी वेरी वेरी स्मॉल, से बेटर क्या हो, विल बी तो ऐसा लिखो विल बी लेस देन वन, ये वाले केस क्या बराबर आ जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी 1, इसको मैंने यहां पे क्या लिख दिया nx था ना, तो माइनस 2h बाय r, ये हमारा सिंपल सा, ठीक है, स्वीट सा प्यारा सा फॉर्मूला बन गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू हाइट, ठीक है। लेकिन दिमाग में जब तुम ये फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है, तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में ये बात
याद तुमको रखनी होगी कि ये सिचुएशन तभी होती है जब हाइट की वैल्यू कैसी होती है, रेडियस से बहुत ही छोटी हो, ठीक है। ओनली एप्लीकेबल, मैं दोबारा लिख रहा हूं इसको, ओनली एप्लीकेबल व्हेन एच इज मच मच लेस देन आर, ठीक है। ये वाले फॉर्मूला तुम तब तक ही यूज कर सकते हो जब तक कि तुम्हारी हाइट जो है 100 किलोमीटर, मतलब कि 0.01 है ना, अगर तुम्हारी हाइट मान लो 10 किलोमीटर तक की है, ठीक है, तब तक तुम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर तो मैं 100/6400 लेता हूं, तो अगर h छोटा ना हो, ठीक है, तो हम यही फॉर्मूला ये वाला यहां तक कि इसको यूज कर सकते, इसको यूज कर लो, इसको यूज कर लो, ये सब क्या कहते हैं, एक ही रूप है, ठीक है, ड्रामा में एक ही एक्टर के अलग अलग रूप है, ठीक है, ये अलग रूप है, ये अलग रूप है, ये अलग रूप है, सब एक ही चीज, ठीक है। तुम ये वाला दिमाग में रखते हो तो ये वाला याद कर लो, ये वाला याद रखो तो ये वाला याद कर लो, ठीक है। लेकिन इसके बाद तभी यूज करते हैं जब h की वैल्यू r से बहुत ही छोटी हो, ठीक है। अब सुना ध्यान से, हम कब कौन सा यूज करते हैं, अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हाइट रेडियस के कंपैरिजन में बड़ी है कि छोटी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। अगर हमको कंफर्म पता है कि जो हाइट है वो रेडियस से बहुत ही छोटी है, जैसे बोला गया हाइट 1 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। जैसे बोल रहे अ बॉडी राइजेस टू हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, व्हाट इज द ग्रेविटी एट दैट प्लेस, तो g डैश इक्वल टू g पुट करो, h को रख दो 1 किलोमीटर, r को पुट कर दो 6400 किलोमीटर, ठीक है, और निकाल लो आंसर को अप्रोक्सीमेटली। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें बताता हूं, ये वाला क्वेश्चन भी हमारे एंट्रेंस में आ चुका हुआ है। क्वेश्चन है खुद से ट्राई करना फॉर्मूला देख देख करके, बोला कि वो हाइट बताओ, क्या बताओ, वो हाइट बताओ जहां पर बॉडी का वेट, ठीक है, बॉडी का जो वेट है ना, ठीक है, W डैश वो है 1/16 ऑफ W ऑन अर्थ, ठीक है, और तुम्हें बोला गया है अर्थ का रेडियस हमें दिया गया है R, और तुम्हारे सामने है 4 ऑप्शन, अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, ठीक है, तुमको बताना कौन सा सही है, अर्थ का रेडियस आर है, ठीक है, कौन सी हाइट पे जाकर के जो वेट होगा तुम्हारा 1/16 हो जाएगा। देखो वेट बोला गया 1/16, मास तो बदलता नहीं, मैंने अभी बताया था, मतलब ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 1/16 हो जाएगी। ये सवाल में कहीं कोई इंडिकेशन नहीं है कि हाइट ज्यादा है कि कम है, अगर कंफ्यूजन हो हाइट ज्यादा है कि कम है तो हमेशा ओरिजिनल पे ही जाओ, ठीक है, स्पेशल केस पे नहीं जाना। डीटा शिको जो जी क्या था, आर स्क्वायर बाय एच प्लस आर का स्क्वायर, ठीक है, कोई भी रूप उसका यूज कर लो, एक काम करो तो निकालो तो जरा सा खुद से आंसर, जी डैश का पुट कर दो 1/16 जी, फटाफट निकालो आंसर। ये सवाल तुम्हारा आया हुआ है 2012 का सवाल है, 8 साल। बोलो फाइंड एच इन टर्म्स ऑफ आर, ओके, बाकी लोग भी तो आंसर
सही है। अच्छा बाकी लोग भी तो आंसर मोना जैसी का पहले का आंसर सही था, तुमने टू बार लिखा था, बार बार टू होता। चलो तो अभी सबको खाली एबीसी बोलना है बस। सही है सही है समर, दुर्बा सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाकी लोग भी तो आंसर सबको ही दो। जी डैश कितना होगा? जी बाय 16 और 1/16 है। जेसिका चेक करो आंसर। बाकी लोग निशिल, पूजन सबको दो आंसर। उवेश ठीक है, ये जी जी मर गया। एच प्लस आर का स्क्वायर हमें क्या देगा? 16 R² एच प्लस आर को लिख दो, 16 R² का रूट हो जाएगा 4R। इधर क्या तो एच इक्वल टू 3R और ये एच हो जाएगा तुम्हारा एच हाथ हो गया 3R। करना क्या है? 4 मार्क्स तुम्हारे पॉकेट में ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज ना मैं तुमको इस पर समझाता हूँ ठीक है, काफी तुमको सुन करके अच्छा लगेगा कि यहां पर अगर मान लो मैंने नेगेटिव साइन लिया होता तो जैसे यहां पर तो प्लस माइनस होता ना, मान लो अगर ये एच प्लस आर जब रूट करते ना तो मैथ्स का रूल है अगर ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर होता है, हमारा आंसर आ चुका हुआ ठीक है, ए प्लस माइनस बी होता है। तो अगर मान लो मैंने माइनस लिया होता तो -4R हो जाता, ये कितना आ जाता यहाँ पे -5R आता। अगर एच -5R आता तो नेगेटिव का मतलब क्या होता? देखो नेगेटिव का मतलब ये हुआ कि मान लो सरफेस पे से तुम जाओगे 3R ऊपर, 1, 2, 3R ठीक है ऊपर गए तो ग्रेविटी कितनी हो जाएगी? 1/16 हो जाएगी। और अगर मान लो मैंने -5R की बात की, R 2R हो गया, -2R, -3R, -4R, -5R। देखो ये भी तो सरफेस से कितनी ऊंचाई की है, 3R ही तो है ये भी। तो नेगेटिव साइन अगर आ रहा है ना तो नेगेटिव साइन का मतलब है कि ऊपर जाओ 3R या नीचे जाओ 3R ठीक है, सरफेस से 3R की दूरी होनी चाहिए तो हमको मिलेगा ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन के बारे में बताएं ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट कर लो ठीक है, इसके ऊपर बोला गया कि एक बॉडी है किलो, इसी साल का एकदम फ्रेश क्वेश्चन है 2020 का। बोला गया कि बॉडी का वेट है 72 न्यूटन ठीक है, तो बताना है कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, डब्लू डैश कितना होगा, मतलब हमको डी डैश निकालना ठीक है। जब हाइट है इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, हाइट कितनी है हाफ द रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो बताना वहां पे वेट कितना। देखो यहाँ पे हाइट जो है कोई 2-4 किलोमीटर नहीं है, हाइट बहुत बड़ी है यहाँ पे, R/2 के इक्वल है ठीक है। तो फटाफट जल्दी से इसको ट्राई करो ठीक है, फॉर्मूला यूज करो एंड यू कैन नॉट यूज दैट स्पेशल केस।
बिल्कुल हो गया आंसर। ठीक है ऑप्शन में दे भी देता हूँ, ठीक है 48, 32, 30, 24 थ्रेट पर जाता हूँ आपके लिए। अगर तुमको वेट पे कंफ्यूजन लग रहा हो दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है तब m से, हाँ सही है समझ, m से किया मल्टीप्लाई तो m की डैश w डैश हो जाएगा और ये w हो जाएगा और ये r स्क्वायर बाय r प्लस h का स्क्वायर होगा। बाकी लोग भी तो आंसर w कितना हमारा सही है शिपा, वेरी गुड। बाकी लोग भी तो आंसर W हमारा है रचित, कैलकुलेशन चेक करो। बाकी लोग भी तो आंसर, अरे खाली कैलकुलेशन पे इसमें 72 ओके सही है दुर्गा, वेरी गुड। बाकी लोग भी तो आंसर R का स्क्वायर बाय R प्लस H कितना है R बाय 2 है का स्क्वायर 72 इंटू आर स्क्वायर बाय ये हमारा हो जाएगा 3r/2 दैट इज 9r/2 4 ऊपर चला गया r स्क्वायर मर गया 9 8 72 8 3 आया सबको समझ में, तो ऑप्शन बी। पूजन निशिल तुम लोग बुक लेके नहीं बैठे हो क्या? ठीक है चलो मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, फिर से ज्वाइन कर लो।